सीन ऐसा चल रहा है कि हमारे घर का राशन ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो हमारी चुहिया है वो आजकल भक्ति में लीन हो चुकी है, और उसने जितना भी खाने पीने का सामान तो सब दान दे चुकी है, तो घर पे खाना पकाने के लिए कुछ बचता नहीं है पूरा दिन। तो हम बाहर से मंगा के खाना खाते हैं, और जो घर का खाना है वो हम दूसरे लोगों को खिलाते हैं, ताकि वो मन्नत मांगी है उसने कि कभी का प्रमोशन हो जाए। तो शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट टू भगवान को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। हाँ सोचो, मतलब ये क्या है, ये कैसा है ये कि आप के घर में खाना नहीं है, अपने घर का खाना राशन पूरा आप निकाल के आप दे चुके हैं और बाहर से खा रहे हैं हम। अब ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बाहर के खाने का पिज्ज़ा आया है हमारे खाने में, सो वी आर रियली एक्साइटेड अबाउट पिज्ज़ा, सो वी आर ईटिंग इट। समोसा पिज्ज़ा किसने मंगवाया? हमने मंगवाया है, जुबान तो लड़खड़ाती रहती है ना, अभी क्या कर सकते हैं। सो वी वॉन्टेड टू ऐड, सो हम भी चुहिया की आड़ में हम खा रहे हैं सब जो हमारा खाने का मन कर रहा है। बाबूजी तो हमारे चिड़ियाघर के चक्कर में पिस जाते हैं, हम सब इतनी इज्जत करते हैं कि बेचारे बाबूजी कभी खाना नहीं खाते हैं, कभी कुछ नहीं खाते हैं, कभी कुछ नहीं खाते हैं, सो वो हमारे चक्कर में बहुत परेशान होते हैं। सी इस बार हर साल चिड़ियाघर में सीन होता है, जहाँ पे हर साल गणपति की एक स्टोरी होती है, जो भी फेस्टिवल होता है उसकी स्टोरी होती है। इस साल भी हुआ है, ऐसा ऐसा दिखा है कि सारे भगवान को एक साथ, जैसे कि चुहिया सरस्वती माता को याद करती है, संतोषी माता को याद करती है, कृष्ण भगवान को, साईं बाबा को, तो सबको उन्होंने, उसने हर भगवान को बिठाया है, रखा है, शंकर भगवान को। तो उसमें गणपति भी थे, अभी प्रॉपर प्रॉपर हमने नहीं रखा है, बट हाँ वो गणपति जी को भी एक तरीके से रखा गया है इसमें। प्रॉपर तो हम लोग इस बार नहीं किया, बट हाँ यहाँ पे वैसे पर्सनली हमारे यहाँ रख रहे हैं, दो तीन लोग घर पे गणपति बिठा रहे हैं। आने वाला सीन अभी देखो, अभी पता चलेगा कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है, या हम क्या करते हैं, हम भगवान को ऐसे टाइम पे क्यों याद करते हैं जब हमें उनकी ज़रूरत होती है। सो ये सारी स्टोरी है अभी। होप आपको अच्छी लगे, सो कीप वॉचिंग चिड़ियाघर। अरे कोई नहीं, बात नहीं बाबू जी, एक साथ बैठने का मौका नहीं मिलता ना, इसलिए आपको पता नहीं है। अरे हम तो 5-6 दिन से सब यहीं बाहर का खाना खा रहे हैं। हाँ बाबू जी, बड़ा मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि एसी में फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हैं और पैंट्री से खाना आ रहा है। बेटा लेकिन क्यों 5-6 दिन से बाहर का खाना क्यों आ रहा है? वो क्या है ना मयूरी के बाबू जी, कि वो चुहिया के दान धर्म के चक्कर में ना घर का पूरा राशन खत्म हो चुका है, और आपकी जो खिचड़ी के लिए दाल थी ना वो भी खत्म हो गई है, तो एक दिन की तो बात है ना। हाँ, और क्या चुहिया, कम से कम बाबूजी के लिए तो खिचड़ी का इंतजाम करना चाहिए था ना तुम्हें। बाबूजी आप टेंशन टाइम मत कीजिए, चुहिया बाबूजी के लिए दूध लिया। चुहिया दूध भी नहीं है, मतलब दूध के प्रसाद की जो थी ना उसकी खीर बना दी उसने। हाँ। अरे तो खीर खीर दे दो ना, बाबूजी को खीर भी बहुत पसंद है। लेकिन भैया खीर तो पहले मोहल्ले के गरीबों में बांट दी गई है, खीर प्रसाद थी ना, तो चुहिया ने कहा था कि प्रसाद पे पहला अधिकार तो भूखे का ही होता है। कभी टेंशन टाइट, लेकिन बाबूजी भी तो भूखे हैं ना। बाबूजी मैं अभी होटल से खिचड़ी मंगवाता हूँ। हरिओम बेटा, रहने दे मैं देख लूंगा। लेकिन बाबूजी खड़े हो गए, तुम लोग खाना खा लो। पपी बेटा तेरे लिए सब पूजा पाठ हो रही है, तू अपनी मेहनत में कोई कसर मत छोड़। जी बाबूजी मैंने बहुत मेहनत की है, पता है पूरे हफ्ते मैंने मेहनत की है, और बस कल एक रिजल्ट का दिन है, आपके आशीर्वाद से टेंशन टायर होने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ। हरिओम हरिओम।